वैसे तो कोरोना महामारी का दौर चल रहा है, लेकिन इस बीच सभी सावधानियों को मद्देनजर रखते हुए महाकुंभ 2021 का आगाज हरिद्वार में हो गया है। अखाड़ों ने अपनी धर्म ध्वजों को लगाकर अपनी पेशवाई निकालकर कुंभ मेले की शुरुआत कर दी है। कुंभ मेले का पहला शाही स्नान 11 मार्च यानी शिवरात्रि पर होना है, जिसे देखते हुए सभी अखाड़ों के साधु संत काफी उत्साहित हैं। इस बार का कुंभ कोरोना महामारी के बीच हो रहा है, जिसके मद्देनजर अखाड़ों द्वारा की हुई तैयारियों को जानने के लिए हमारे संवाददाता ने अखाड़ों के साधु संतों से सीधी बातचीत की। स्नान को महाशिवरात्रि के पर्व पर पहला शाही स्नान है और भाग्य उदय न भोजन में समर्जिते न सत्संगम चलबतो पुरुषो यदा भी, करोड़ों पुण्य उदय जिसके रहते हैं वही शाही स्नान कर सकता है या महाशिवरात्रि के पूर्व पर गंगा में स्नान किया जा सकता है। गंगा वो है जो मुक्ति देती है, जो वैभव कीर्ति यश प्रदान करती है। तो भव्य दिव्य तरीके से और सुरक्षित तरीके से कोरोना की महामारी को नजरें रखते हुए तो हमें भव्य तरीके से शाही स्नान को करना है, गंगा में स्नान करना है और गंगा में स्नान कर कर अपने पुण्य को जागृत करना है। जिस तरह से परंपरागत आदि अनादि काल से हम सभी लोग इस दिव्य और भव्य कुंभ को मनाते रहे हैं, उन सभी प्रकार के तैयारियों से हम लोग अभिभूत हैं। शासन प्रशासन, संत अखाड़े, सभी साधक तीर्थालु और विशेष करके आप सभी लोग मीडिया वाले, हम सभी लोगों के भावनाओं को समृद्ध बनाने में सहयोगी बन रहे हैं, इसलिए आप सभी लोगों को भी बहुत बहुत साधुवाद। और हम सभी लोगों की तैयारियों को जो निखार लाते हैं, प्रखरता प्रदान करते हैं आप सभी लोग, ये भी एक महत्वपूर्ण कार्य है जो हम सभी लोगों के तैयारियों को आप दूर दूर तक सभी समाज के जन जन तक पहुंचाने में आप लोग काम करते हैं। और सभी को ये एहसास होता है कि हमारे जो प्रतिनिधि हैं, जो हमारे धर्म के आगेवान हैं, धर्म के ध्वजा को आगे लेकर के चलने वाले संत महापुरुष हैं, साधक हैं, वो सभी लोग हमारे लिए, हमारे आने वाले परंपराओं के लिए, पीढ़ी के लिए, वो सभी लोग इस दिव्य कुंभ पर्व को महाशिवरात्रि के शाही स्नान की तैयारियां पूरी जोर शोर से कर रहे हैं और सभी लोग प्राचीन काल के परंपराओं के अनुरूप ही शाही स्नान करेंगे और उस दिव्य कुंभ का पुण्य फल प्राप्त करेंगे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद और सभी को बहुत बहुत शुभकामना आने वाले शाही स्नान के लिए। सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद, साधुवाद, शुभकामना। अग्नि अखाड़े से थानापति साधनानंद ब्रह्मचारी। 11 मार्च को महाशिवरात्रि के पर्व के लिए कांवड़िए भी जल लेने आ रहे हैं। उन्होंने अपने कांवड़ को बहुत ही सुंदर तरीके से सजाया है और भोले बाबा के अभिषेक के लिए जल भर रहे हैं। लेकिन सोचने वाली बात तो यह है कि प्रशासन की इतनी सख्त गाइडलाइन के बाद भी लोग उनका पालन करते नजर नहीं आ रहे हैं। वहीं कांवड़ियों ने कांवड़ का विशेष महत्व बताया है, जिसे वो महाशिवरात्रि से 4 दिन पहले लेने आते हैं। जिला बुलंद शहर, अच्छा, शिव तेरस के उपलक्ष्य में आए हैं। अच्छा, तो क्या मान्यता होती है आपकी, क्या मान्यता आपने मानी थी जो इसलिए आप यहाँ पर में आए हैं? जो मन में मान्यता होती है वो पूरी होती है, कुछ भी मान्यता मान सकते। तो ये कांवड़ से कितने दिन पहले आप? 4 दिन 5 दिन 3 दिन पहले आते हैं। तो आप कैसे आए हैं, पैदल आए हैं? नहीं, पैदल बस से आए और पैदल जाएंगे। तो ये अभी आपके साथ और भी लोग आ रहे हैं? 12 लोग हैं हम, तो फिर ऐसे ही एक दूसरे के जोट होती हैं, 12, 16, 20, 50 ऐसे जोट होती हैं गांव से। क्या कुछ स्पेशल मान्यता थी आपकी? मान्यता है क्या है, किसी के बारे में सोचा, कोई बीमार है, उसके बारे में सोचा, भोले बाबा से कहा कि हमें भी ये ऐसा कि ठीक हो जाए, हम जल लेकर आएंगे और तुम पर चढ़ाएंगे, वो ठीक हो जाता है।